मोहन मरकाम जी, अमरजीत भगत जी, जय सिंह अग्रवाल जी, श्री डेहरे जी, उमेश पटेल जी और हमारे अध्यक्ष जी के साथ आए आदरणीय प्रणव झा जी, चंदन यादव जी, गुरदीप सप्पल जी, विजय जांगिड़ जी, धनेन्द्र साहू जी, सत्यनारायण शर्मा जी, अमितेश जी, महंत राम सुंदर दास जी, भाई विकास जी, मंचस्थ सभी हमारे विधायक साथीगण, निगम मंडल के अध्यक्षगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सभी साथीगण, हमारे जिला पंचायत के सभी अध्यक्षगण, जनपद अध्यक्षगण, नगर पालिका नगर पंचायत के और सरपंच, सभी हमारे साथीगण, उपस्थित सभी किसान भाइयों, मजदूर साथियों, युवा दोस्तों, माताओं बहनों, पत्रकार साथियों और हमारे सभी अधिकारीगण, सभी हितग्राही भाइयों और बहनों, जोरदार जयकारा से अपन बात की शुरुआत करना चाहता। आप सब साथ दू तैयार रहो, बोलो छत्तीसगढ़ माता की, बोलो गुरु घासीदास बाबा की, शहीद वीर नारायण सिंह जी अमर रहे, माता कौशल्या की, सबरी माता की। आज हमर माई पहुना के द्वारा 24,52,000 किसान के खाता में 1,895 करोड़ रुपया बटन दबा के आपके खाता में डालेंगे। अभी भी मौका है, जब मैं ताली नहीं बजावा थे, हाँ सब जन बजाल धल्ले, कतका जन के खाता में पैसा पहुंच गए। कतका जन के खाता में पैसा पहुंचे मोबाइल में जाकर का सूचना आ गए। सब किसान के खाता में पैसा पहुंच गए, खूब बधाई खूब शुभकामना। आज ओकरे साथ साथ नारा नहीं जतका बेर क्यों तत्कर लगाऊ नहीं यार, मैं मौका दू पूरा। गन्ना उत्पादक 33,642 किसान के खाता में 57,18,00,000 रुपया के आज प्रोत्साहन राशि दिए गए, वो मतलब बहुत बहुत बधाई। और जतेक भी गोधन न्याय योजना से जुड़े हमार भाई बहनी मन है, जन गोबर बेचते 2 रुपया किलो में, ओकरो खाता में आज 5,16,00,000 रुपया गए है, वो सबो जन ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। उसी प्रकार से श्रम कल्याण योजना अंतर्गत 1,30,000 हितग्राही मन खाता में 55,16,00,000 रुपया का अंतरण किए गए है, वो मतलब बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आज बलौदा बाजार भाटापारा जिला में 266 करोड़ रुपया के 264 विकास कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन किए गए है, जिला वाला मल्ला खूब बधाई और शुभकामना। ये जन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पैसा है, हमन 1 नवंबर के देवैया रहें, हर साल 1 नवंबर के देता, 21 मई, 20 अगस्त, 1 नवंबर और 31 मार्च के पहली 4 किस्त में। लेकिन आप सब जाना था अभी 8-10 दिन के भीतर में आचार संहिता लग जाए और ओकर बाद तीसरा किस्त देवर निर्वाचन आयोग से अनुमति ले लगती। अब निर्वाचन आयोग अनुमति कब देती और कब तुम्हार खाता में पैसा जाती वो बात ला
ध्यान में रखते हुए कोनो किसान ल परेशानी मत हो तेकर सेती आज 28 तारीख के 28 सितंबर के ही खड़गे साहब के हाथ से आपके खाता में पैसा डलवाए के काम हुई से। ये जन सरकार है तेन किसान के मजदूर के अनुसूचित जाति के जनजाति के नौजवान के महिला मन के ये सरकार और वही पाए के हमर जन सरकार है अभी तक के 73 लाख राशन कार्ड बनाए पिछले 5 साल में 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड बनाए हमारा और 73 लाख परिवार ल 35 किलो चावल नमक ये सब ल फ्री में देथन। चावल शक्कर है 17 रुपया किलो और माटी तेल के बारे में हम नहीं कह सकन भाई बोल भारत सरकार तय करते। ये तीन जिनिस ल हम देथन 73 लाख परिवार ल वही प्रकार से बिजली बिल हाफ योजना के लाभ 43 लाख परिवार उठा थे और 4000 करोड़ से अधिक राशि सब्सिडी के रूप में चावल में 14000 करोड़ से अधिक की राशि सब्सिडी के रूप में ओकरे साथ साथ लघु अनुपज संग्राहक है तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाला है ओकर मन के खाता में करीब 2500-3000 करोड़ रुपया गए। अभी तक के जिन गोबर विक्रेता है वर्मी कंपोस्ट बनैया है ये मतलब 3 साल में लगभग 550 करोड़ रुपया के राशि वो मतलब मिल चुके चाहे वो गोबर बेचे तेंदुपत्ता संग्रहण करे चाहे लघु उपज के संग्रहण करे सबके समर्थन मूल्य घोषित करें और सब ला खरीदे की व्यवस्था करें। ओकरे साथ साथ बेरोजगारी भत्ता 1,29,000 हमारे नौजवान साथी 147 करोड़ रुपया अभी तक के 5 महीना में दे चुके हैं। आज हम फैसला करें कि हमारे जितना भी 60 साल से ऊपर जे मन पंजीयन कराए इसे मजदूर साथी है वह मन 1500 रुपया हम देवो ये फैसला करें। गरीब से गरीब आदमी के ध्यान बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति के ध्यान अभी राहुल गांधी जी आ रही हमारे नेता बिलासपुर में 7 लाख आवास के पहले के 25,000 रुपया सबके खाता में डाले काम करें। केंद्र सरकार ने चिट्ठी दें ये प्रधानमंत्री आवास है तो हिस्सा ल दे दे लेकिन वो नहीं दे थे और वो मन से मैं घोषणा करें कि मंत्रिमंडल के साथी मन है विधायक साथी मन है केंद्र सरकार आवास के पैसा ल दे चाहे मत दे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सरकार जिन खड़गे साहब के रहनुमाई में काम कर रहे थे सोनिया जी के आशीर्वाद से काम कर रहे थे राहुल जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे थे वो सरकार सबो 7 लाख परिवार ला आवास के पैसा दे के काम करी पहली किस्त पहुंच गए। खड़गे साहब लोकसभा राज्यसभा में ये लगातार मांग कर रहे थे कि जाति जनगणना होना चाहिए आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए 2011 के बाद से नहीं हुए। 2011 में जिन सर्वे सूची में नाम है तेन हितग्राही मल लाभ मिला थे लेकिन जिन 2011 के बाद जिन सूची में शामिल हुए जिन पात्र व्यक्ति है उकर कोई सर्वे नहीं हुए वो मतलब कोई लाभ नहीं मिला थे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आए रहे भाडा पारा भी आ रहे हैं सबो पूरा प्रदेश भर हमन घूमे वो मन की समूल आवास चाहिए मैं पूछे 2011 के सूची में नाम है का वो कहते नहीं है वो कर बार फिर हमन विधानसभा में पारित करें कि हमार सरकार है तेन आर्थिक सर्वेक्षण कराई और वो में हमन पाएन कि 47,000 ऐसे परिवार है जिन आवास ही नहीं उहुल राहुल गांधी के हाथ से 25,000 के पहली किस्त अभी 3 दिन पहले देवाए। गरीब से गरीब व्यक्ति के ध्यान किसान मन के ध्यान
18000 करोड़ से अधिक बिजली बिल जन 3 हॉर्स पावर 5 हॉर्स पावर के मिलते ते में हम छूट देन। कृषि के रकबा बढ़े, किसान के संख्या बढ़े, कृषि उत्पादन बढ़े और साथ साथ जब धान के उत्पादन 107 लाख मीट्रिक टन होए, ये साल जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गिरे किसान मन केस 20 क्विंटल ये साल कर देते इसका, अब किसानी फसल बढ़िया होल धल ले 15 क्विंटल के बाद धान बांच जते तो विधानसभा में घोषणा करें कि 20 क्विंटल खरीदबो। और परम दिन हमार कैबिनेट हो, इस कैबिनेट के सब साथी मन पूरा कैबिनेट एक मत से प्रस्ताव करें कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदे के हिसाब से पैसा की व्यवस्था, बारदाना की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टिंग करे की व्यवस्था हम फैसला करें। 22000 करोड़ पिछले साल धान खरीदे, ये साल ज्यादा जाए वो सब के व्यवस्था कर दें। चुनाव आचार संहिता लगे रहे चाहे कुछ रहे, किसान के धान खरीदे जाए 20 क्विंटल, पेमेंट 3 दिन के भीतर में, बारदाना की व्यवस्था, तौलाई की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टिंग के व्यवस्था। एक फायदा का हो कि 600 नवा राइस मिल खुल गए। यदि एक राइस में 100 जन भी आदमी काम करे थे 60000 आदमी रोजगार मिलत। तो ये प्रकार से उद्योग व्यापार ला भी बढ़ाए के काम हमार सरकार के द्वारा निरंतर किए जा थे। आप सब मुख्य अतिथि सुनना चाहता हूं, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बात है जो आपके सामने रखना जरूरी है। एक तरफ 42000 पद के भर्ती, बेरोजगारी भत्ता 1,30,29,000 और उन्हें नवा नवा उद्योग व्यापार खोल के रोजगार दिलाए के कोशिश हमारे सरकार के द्वारा, और उन्हें हमार जन संस्कृति है, परंपरा है, यूल बचाए के काम वो संवर्धित करे के काम, चाहे देवगुड़ी बनाए के हो, चाहे घोटुल बनाए के बात हो, राम वनगम और पर्यटन पर्वत बनाए के बात हो, चाहे मॉडल जैत खाम बनाए के बात हो, चाहे दामाखेड़ा में कबीर सरोवर बनाए के बात हो, ये सब काम लगातार हमारे सरकार के द्वारा। और ये सब योजना के माध्यम से परिवर्तन का इस आज किसान के जीवन में परिवर्तन आए, मजदूर के जीवन में परिवर्तन आए, महिला मन के आत्मविश्वास बढ़े, नौजवान मन के रोजगार के नया नया द्वार खुले है, और ओकरे साथ संस्कृति बढ़ावा और ये सब काम के असर का हुईस कि नक्सलवाद बहुत पीछे हट गए। आज छत्तीसगढ़ शांति के तरफ लौटा थे, बस्तर शांति की तरफ लौटा थे। मैं अवसर में अटके कहना चाहता हूं कि ये सरकार है तेन किसान के, मजदूर के, गरीब के, नौजवान के भरोसा कायम रखे है, चाहे कोरोना काल भी हो, चाहे कोनो परिस्थिति हो। एक तरफ खड़गे साहब के रानुमाई में छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रहे थे, आम जनता के हित में फैसला हो थे, दूसर तरफ केंद्र के सरकार जिनके किसान के आय दुगुना कर दूं, ओत करीज नहीं है, पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमत बढ़ गए, केरोसिन की कीमत बढ़ गए, खादों की कीमत बढ़ गए, महंगाई के मार, बेरोजगारी के, ये ट्रेन भाटा पारा चलते कद ककन ट्रेन रद्द हो गए। आम जनता ला अब यात्रा महंगा दर पे करेल पड़ा थे, कोयला गाड़ी जरूर चला थी लेकिन यात्री वर गाड़ी नहीं चला थी, वंदे भारत प्यारे झंडा दिखा थे लेकिन आजकल काली हम पेपर में पढ़ते रहे कि 2 नंबर प्लेटफार्म में जिन गाड़ी आते करके अनाउंस करते वो गाड़ी पटरी छोड़ के सही 2 नंबर के प्लेटफार्म में चढ़ गई से। तो आज एक्सीडेंट बहुत होते, रख रखाव नहीं होते। छत्तीसगढ़ में पता नहीं कहा दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी लो केंद्र सरकार ला कि ट्रेन रोज ऐसे कोई समाचार पत्र नहीं है जिन ट्रेन रद्द करके खबर नहीं आत हुई। एक तरफ केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला बिहार, कोयला के लिए भी 4000 करोड़ रुपया हम अल्लाह आज तक नहीं दे, सुप्रीम कोर्ट में केस लगाए, कायली हियरिंग हुई 6 सप्ताह में वो जवाब दे के केंद्र सरकार ला। चावल के पैसा हम धान खरीदन चावल ला बेचे 6000 करोड़ रुपया भी नहीं दे हम अल्लाह। ऐसे जीएसटी पैसा
सेंट्रल जेन टैक्स है तेकर पैसा, ये सब पैसा रोके के काम लगातार हो थे। एक तरफ हमार सरकार कांग्रेस की सरकार खजाना के पैसा आम जनता के पैसा खाता में डाले काम कर रहे थे, तो दूसर तरफ केंद्र की सरकार है अपन मित्र मन के खाता में पैसा डाले काम करते, तुहार से पैसा लेते बैंक में डालते और ओकर संगवारी मन पैसा निकाल के देश ले बाहर भाग जाते, पकड़े काम नहीं कर रहे थे। आज अडानी ले सबसे ज्यादा फायदा दे के काम केंद्र सरकार कर रहे थे, ओकर संपत्ति दुनिया की संपत्ति घटत है, ओकर संपत्ति बढ़ा जात, जेन तुहर इंश्योरेंस के पैसा है ओला दे के काम राहुल गांधी जी सवाल पूछते ओकर सदस्यता समाप्त कर देते। खड़गे साहब यदि आवाज वहां बुलंद करते तो माइक ला बंद कर दिए जाते, तो देश के पैसा अडानी दे काम कर रहे थे और कांग्रेस के सरकार है आम जनता के खाता में पैसा डाले काम कर रहे थे, ये दोनों में अंतर है तेला समझे लगी। हमार सरकार हर 15 दिन में बटन दबाते गोबर विक्रेता के खाता में पैसा जाते, हमार सरकार बटन दबाते बेरोजगार मन के खाता में पैसा डालते जाते, हमार सरकार 3 महीना में बटन दबाते किसान मन के पैसा खाता में पैसा जाते, श्रमिक मन के खाता में पैसा जाते, बहनी मन के खाता में पैसा जाते, लगातार ये काम हमार सरकार करे है। अब तुहार से निवेदन है अभी यह 2 महीना के भीतर में एक बार बटन दबाना है, कते में बटन दबाऊ आवाज नहीं आते, पाछू वाला मृदा कते में बटन दबाऊ, हाथ उठा के बताओ कते में बटन दबाऊ, कते में बटन दबाऊ वाला बताओ, काबर की ये सरकार तुम्हार सरकार है और ये सरकार बनाए बर परिवार के उन्नति बर छत्तीसगढ़ के विकास बर लगातार आप आगे आना है और एक बार आप सबके आशीर्वाद हमन आकांक्षी हैं। अभी 2 दिन के भीतर में 11,000 करोड़ के विकास कार्य के शिलान्यास लोकार्पण और भूमि पूजन करें, 3 महीना में 36,000 करोड़ के तो विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के भी निर्माण होते और 5 साल में 2.25 लाख करोड़ से अधिक की राशि तुम्हारे खाता में भेजे काम ये सरकार करे है। तो आप सबसे ही निवेदन करते हुए आने वाला समय मैं आप सबके आशीर्वाद और सहयोग की अपेक्षा के साथ अपन वाणी विराम दे पहली जोरदार नारा आप सब लगाना है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद, दीपक भट्ट जिंदाबाद, खड़गे साहब बहुत सम्मान के साथ वादे नहीं खड़गे साहब ला आमंत्रित करा था आए और हम सब ला संबोधित करे, देख भाई साहब जन बैठे रहो, आदरणीय खड़गे साहब आज के इस कृषक सहश्रमिक सम्मेलन 2023 के समारंभ में उपस्थित हमारे AICC के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर नेता कुमारी शैलजा
यहां की प्रभारी भी है और अभी आपके सामने बहुत सी बातें रखी, उन्होंने जो काम किया उसके बारे में भी बताया और आप सबके लाडले चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिंहदेव जी, चरणदास महंता जी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा, श्री दीपक वैज अध्यक्ष नौजवान, श्री गुरुदास सप्पल जी, प्रणव झा जी, सह प्रभारी चंदन यादव जी, माननीय विजय जागीर जी, सीनियर नेता ताम्रध्वज साहू जी, रविंद्र चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी, उमेश पटेल जी, समस्त मंत्रीगण, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है जो अभी हमारे चीफ मिनिस्टर वो लिस्ट को पूरा पढ़े हैं तो उन्होंने जो पढ़ा है वो सारे लिस्ट के मेंबर्स को मैं धन्यवाद देता हूं। वो सभी एक मंच पर आकर सभी ने एक होकर जो काम कर रहे हैं इसीलिए बड़े मुझे बहुत खुशी हो गई है। और मैं छत्तीसगढ़ में जो आया हूं और देख रहा हूं सारे कार्यक्रम अच्छे तरीके से भूपेश बघेल की सरकार चला रही है और उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है नहीं, अरे जरा जोर से बोल रहा हूं, मिल रहा है तो बोलो, नहीं है तो नहीं बोलो, मिल रहा है तो ये याद रखिए, जब मिल रहा है तो इसको याद रख के आगे आपको कदम बढ़ाना है। एक बात मैं कहूंगा, एक दुखद घटना आज हो गई है इसीलिए मैं बहुत ही दुखित हूं, क्योंकि मेरे एक जाने माने सीनियर एग्रीकल्चर में बहुत ही रिसर्च करके एक ग्रीन रेवोल्यूशन जो इस देश में लाए, इंदिरा गांधी जी के साथ उन्होंने बहुत काम किया और मैं जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक मेंबर था, मेरी उम्र उस वक्त 26 थी, उस वक्त मुझे बोर्ड ऑफ रीजेंट बोल के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बनाया गया और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मेंबर बनते ही मुझे सारे भारत में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को रिसर्च इंस्टीट्यूट को मिलना, विजिट करने का भाग्य मिला था। तो स्वामीनाथन उस वक्त हमारे एग्रीकल्चर के हेड थे, रिसर्च स्टेशन के पूरे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वो पूरा हेड थे, काम बहुत अच्छा करा
और उनका हिंदुस्तान में ही नहीं सारे दुनिया में उनका नाम हुआ था। इसीलिए मैं उनको याद करता हूं और ये कहूंगा, ये गलत नहीं होगा कि वो एक फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, जिसकी तारीफ इंदिरा गांधी जी ने की, जिसकी तारीफ राजीव गांधी जी ने किया, मनमोहन सिंह जी ने किया, सभी ने किया, यहां तक कि वो राज्यसभा के मेंबर भी हमारे तरफ से थे, गवर्नर से नॉमिनेटेड थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से नॉमिनेटेड थे। बहुत ही अच्छे व्यक्ति और देश के किसानों के लिए बहुत कुछ योगदान उन्होंने दिया, इसीलिए मैं उनको याद करता हूं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, उनके आत्मा को शांति मिले इसीलिए 2 मिनट अगर आप उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे तो मुझे बहुत आपका मैं आभारी हूं। थैंक यू, आप सबको धन्यवाद। और उनकी उम्र थी 98, तो एक बहुत ही काबिल आदमी को हमने खोया है। आज छत्तीसगढ़ में ये जो बलौदा बाजार, यहां पर कम से कम आज के दिन 2300 करोड़ की स्कीमें लागू हो गई, और इससे पहले भी जो भूमि पूजन हमने की थी उसका भी 237 करोड़ यहां पर सबको दिया गया, यानी ये कार्यक्रम दिए गए। और ऐसा कार्यक्रम शायद किसी राज्य में भी नहीं होगा, और ऐसा कार्यक्रम मैं कहूंगा 15 साल में रमन सिंह तो देखा नहीं होगा, उन्होंने 15 साल थे, हमको मिले सिर्फ 5 साल। जो 5 साल में इतना सब कुछ हम करते हैं किसानों के लिए, किसान मजदूरों के लिए।